बढ़िया प्लान बना कर रखा है आप लोगों के लिए। उस तरफ चलो। अरे आप दोनों आ गए। अरे रक्षित बाबू आइए 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 ना। चिंटू कह रहा था कि आप लोगों ने हमारे लिए कोई तोहफा रखा है, बताइए ना क्या तोहफा है। पहले ही बता देंगे तो तोहफा तोहफा कैसे रहेगा। आप लोग हमारी मदद करने के लिए इस गांव में आए हैं, तो हमारा भी एक तरीका है आप लोगों को धन्यवाद करने का। पहले आप बताइए कि तोहफा क्या है, आप बताएंगे उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि हम उन बाइकर्स को कैसे मारने वाले हैं। हाँ, और उनको मारने के लिए दिव्य दृष्टि वहीं गई है। वो फटफटी वालों को मारने गई है। जी हाँ, दिव्य दृष्टि उन सभी बाइकर्स को मारने के लिए गई है। बहुत ही जबरदस्त योजना बनाई है उन्होंने। हम एक काम करते हैं, हम दिव्य दृष्टि को ले आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि उनकी योजना है क्या, है ना। तो हम अभी आते हैं, आप लोग यहीं रहिएगा। चल शिखर, हम उन्हें ले आते हैं। भैया बताओ ना, आप कैसे मारोगे इन फटफटिया वालों को। हम ना उनको नहीं मार सकते। एक्चुअली हमने उनके बाइक पे त्रिशूल का निशान देखा, और जिनकी बाइक पे त्रिशूल का निशान हो सकता है वो बुरे कैसे हो सकते हैं। आई मीन मेरा मतलब हम लोगों ने अपनी शक्तियों से उन लोगों को बांध के रखा है, रोक के रखा है। हमारी शक्ति से बाहर आने के लिए उनको थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है आप गांव वालों को कुछ गलतफहमी हुई हो उन बाइकर्स के बारे में कि वो लोग बुरे लोग हो। हो सकता है कि गांव में हमला कोई और कर रहा हो, वो लोग नहीं कोई। क्यों, आपने सही कहा, सही पहचाना है कि वो कोई और ही है। दिव्या वो बाइकर्स अच्छे बुरे थे, गांव वाले इस सबके सामने तक है। अब तो वो फटफटिया वाले भी नहीं आ पाएंगे हमारा काम बिगाड़ने। अब हम करेंगे हमारे पूरन मासी की पूजा। सबके सब हमारे करीब आ रहे हैं, तुम तीनों के पास शक्ति है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। मिस्टर शकील, सोच कर रहे हो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कर रहे। ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग की शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है, ये लोग मृतक है इसलिए। नहीं शिखर, ये कोई साधारण मृतक नहीं, ये शक्तिशाली मृतक है। दी ये लोग तो नॉर्मल इंसान लग रहे हैं, भूत किसी भी एंगल से नहीं लग रहे, क्या कर रहे हैं। लोग हमें छूना चाहते थे ना, कई सालों पहले ही हमने मौत को छू लिया है, लेकिन मरने के बाद भी हमने इस गांव को नहीं छोड़ा। अब तुम हमें चाहे खुद समझो या मरी हुई आत्मा या जो कुछ भी समझना है समझ लो, लेकिन ये गांव हमारा है और वो हवेली भी हमारी है। तू जो कोई भी हो,
वो हवेली हमारी है। कितनी बार हमने कहा है वो हवेली हमारी है। हमने वो फटफटिया वाली बात सुनाकर तुझे बेवकूफ बनाया था। पकड़ लो इन चारों को। वो आदमी गिर गया। मिस्टर शेरगिल, तुम दिव्या को लेकर निकलो यहाँ से, मैं यहाँ संभालता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या चल, इन्हें खत्म करने का तरीका उन बाइकर्स के पास होगा। चल दिव्या, भाग, चल। अरे भाग रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम मृतकों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। ले चलो इनको, आज रात को ही भस्म कर देना है। चलो चलो चलो, ले चलो। तो हमें इस चक्र में कैद कर लिया है। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हमें भी अभी पता चला कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। खैर ये सब छोड़िए, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। पहले तो हम आपको इस चक्र से आजाद करते हैं। हमने वो अस्थि कलश तोड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लोग इंसान नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली मृतक है। और अस्थियों का दाह संस्कार होता है पहले, बाद में उनका विसर्जन। विसर्जन मतलब पानी में ना?